हाँ जी दोस्त, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। यार सीन ये क्या, जुमे का दिन है तो आपसे सलम ने फरमाया था कि जुमे का दिन आपके लिए ईद का दिन होना चाहिए, तो इसी खुशी में आज हम आईफोन 14 लेने जा रहे हैं। अभी जरा अपने कैमरे गाड़ी वगैरह स्टार्ट करते हैं, और बैंस की चाबी। अभी गाड़ी वगैरह स्टार्ट करते हैं, जैसे गाड़ी गर्म होगी फिर अली भाई भी आ जाएंगे और फिर हम निकलेंगे। अच्छा तो यार आज ठंड भी बहुत ज्यादा अच्छा यार आज ठंड ज्यादा आवाज होगी, आज ठंड भी काफी ज्यादा है। मतलब दिन के टाइम में धूप निकली है और 8 डिग्री टेम्परेचर है, और आज रात को -1 पे जा रहे हैं। मुझे अब पाकिस्तान की याद आ रही है, मतलब होम सिकनेस होती है लेकिन इन मामलों में और खाने के मामले में मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है। नहीं मतलब मुझे घर वालों की वजह से भी याद आता है, क्योंकि मेरे घर वाले ये व्लॉग देख रहे हैं, समझ रहे हो आप। बाकी जहाँ पे हम जा रहे हैं वो स्काई रोड है, जहाँ पे हम लास्ट टाइम मैकबुक का पता करने गए थे, और होपफुली हमें आज फोन मिल जाए वरना हमें सोल जाना पड़ेगा वापस। तो अभी हम निकलते हैं, मेरे पास लेस ओ हो बैंक की, तुम ड्राइव पे कर। फिलहाल 5:30 बजे और यहाँ पे इतना अंधेरा हो गया, मतलब इतना अंधेरा नहीं हुआ, अभी हम रोशनी में आ गए वापस, मतलब गैराज में अंधेरा हो गया था ना। तो लेजेंड इज हियर। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. तो अली साहब बताएं हमारा कितने देर का प्लान था फोन लेने का। ओ एक मिनट एक मिनट, ये पकड़े आप। 3 माह मतलब 2 माह से आए हुए हैं, 3 माह हमारा प्लान। एक घंटे के अंदर हमने हरीद के वापस ला के दोबारा कुछ काम है वो करने हैं। तो बस ये है कि बस जब आप कोरिया आएंगे ना, अल्लाह ना करे, मतलब अल्लाह करे आपको एक दफा पता लगे कि जिंदगी किसका नाम होता है। मैं तो 3 महीनों में सीख गया हूँ। और यहाँ पे आईफोन 14 प्रो के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। 14 प्रो लेने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, सारे पैसे आपके पास पड़े भी हुए so they could see me, did what I had to do, just... न्यूयॉर्क लग रहा है कि नहीं फिर? न्यूयॉर्क ऐसी थी तैसी। स्काई रोड वाली साइड पे जा रहे हैं, स्काई रोड के बिल्कुल साथ ही वो शॉप है। तो भाई जान दिस इज द हेवन, ओ सॉरी स्काई रोड। यार हम लोग पहुंच गए शॉप पे, ये शॉप पे व्हाट वाज लेफ्ट ओवर आई पुट टुवर्ड्स माय ड्रीमिंग बट द ओनली थिंग इन लाइफ दैट हैज मीनिंग आर द थिंग्स यू गॉटा वर्क फॉर बिलीव मी। बेसिकली दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू गेट टुडे, होपफुली पड़ी हुई है उनके पास। 2-5-6 टेक इनटू योर हैंड्स अ प्लान, योर ओन हैंड्स कैन लैंड योर ओन ब्रांड एंड डैम। I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes. Finally humne phone khareed liya, aur itni jaldi maine kabhi 10 rupaye ki toffee nahi li jitni jaldi humne lango ka phone utha liya. To bhai sahab thode jazbaat hi ho gaye the 3 mahine ke wait se. Bigar jate hain, ghar ja ke unboxing karenge. Yaar mere to iske yahi pe unboxing karne ka dil kar raha hai. Control Uday. Get some power, don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're loud. I would rate it like 6.5 out of 10. iPhone आ गया ना, अब थोड़े हमारे बारी हो गए, समझा करो। ले दो बॉस, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर। सॉरी जरा बैकग्राउंड में थोड़ी सी मेस बनी हुई है, तो इट इज ओह। और इसके साथ हमने एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लिया, और उसके बाद एक हमने इसका केस लिया, और बस। अच्छा मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, तो मैं अभी फिलहाल सिर्फ अनबॉक्सिंग करूँगा, सुबह वापस आके इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर वगैरह लगाएंगे। तो हियर इज आवर फोन। ऑलराइट, ये मैंने पहली स्टेप उतारी, और मैं सोच रहा था कि मतलब सारी अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं देखता और मैंने वीडियो ना स्टार्ट की होती, तो क्या नज़ारे होते। वो So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? Yeh scene hai, piece of MacBook aur aage uska bada bhai. Work until you're prouder and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to god they all let me down, I always fought just to wear the crown. तो यार मैं जरा जल्दी से इसका सेटअप कर लूं।
It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. फ़ोन के बाद इसके अंदर ये स्टिकर है और कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और एक ये सिम इजेक्शन टूल है और एक डाटा केबल, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले दो तीन पड़ी हुई हैं। हाँ जी, ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी गॉट एक सेकंड, सिनेमैटिक मूड ऑन। यार सीन ये कि मुझे अभी टाइम मिला है वो सारा होने के बाद, मतलब आज तीसरा दिन है अनबॉक्सिंग करने के बाद। आज अभी इसका ये प्रोटेक्टिव वगैरह चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि तीन दिनों का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब एक रिव्यू भी साथ में हो जाए। तो मतलब वैसे मैंने प्लान नहीं था कि ये रिव्यू, लेकिन ये काम ही ऐसा हो गया तो फिर आपको रिव्यू भी देता हूँ थोड़ा अच्छा। तो यार मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं साउथ कोरिया मूव किए हुए, तो सीन ये था कि मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं और आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको सारा कुछ वो डिस्क्राइब करूँगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ की और यहाँ की लाइफ में, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। मतलब मेरा आपको कुछ डराने का मूड नहीं है, लेकिन रियलिटी से भी एस्केप करवाने का मूड नहीं है मेरा, तो आपको सब कुछ एक बैलेंस में बताएंगे। अब सीनियर के अब ये एक वेट वाइप है और ये ड्राई है। सबसे पहले वेट वाइप यूज़ करेंगे जो ज़्यादा डर्ट है उसको ख़त्म करने के लिए, जो बाकी बचेगी उसको ये ड्राई से हम करेंगे साफ। फील है कि इस पर शायद एक स्क्रैच है, क्योंकि जिस दिन मैंने ये लिया उसी दिन इसके ऊपर ना एक डब्बा गिरा है, और मतलब वो डब्बा इतना भारी था ना मेरे दिल पर कि मतलब सांस नहीं आई मुझे, मतलब इस पे डब्बा गिरा था लेकिन सांस मुझे नहीं है। आपको पता है नए फ़ोन के साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राई वाइप से हम साफ़ करेंगे। ओह शिट, असल में यार इतनी छोटी वाइप से मेरे हाथ इतने बड़े हैं, तो मतलब मैं क्या पकड़ूँ इसको, किधर से पकड़ूँ, कोई सर पैर नहीं नज़र आता इसका, फिंगरप्रिंट लग गई इधर से। अच्छा तो भाई अब आ गया टाइम बहुत ज़्यादा फोकस करने का। यार मैं पहले बता दूं मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और ये क्यों चिपक रहा है यार, यार प्लीज कोई बबल ना है बस। ओह वेंस, नहीं नहीं चिपकना नहीं, चिपकना नहीं, चिपकना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। एंजाइटी लेवल मेरा फुल राइज पे। ओह शुक्र है, अगर मुझे किसी ऐसी इंडस्ट्री में जॉब मिले ना जहाँ पे इतना फोकस देना पड़ता है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो जो है ना कोलैप्स कर जाएगी। नजर आ रहे शायद आप लोगों को, लेकिन ओए बंद हो सॉरी सेक्शन। ओफ यार चेक किया, मतलब टैलेंट है कि नहीं। ओह वेंस के तुम साथ ही नजर लगी है, यहाँ पे एक आ गया। आई गेस वी आर गुड टू गो, नॉट गुड इनफ लेकिन कोई नहीं, स्टार्टिंग है, ऐसा ऐसा सीखते बंदा। तो माजरत यार, ओ वेंस के तुम, इसको क्या हो गया, मेरा ट्राइपॉड थोड़ा डिंगा सा हो गया। तो यार माजरत अगर आपको मेरे साथ एंजाइटी बर्दाश्त करनी पड़ी है, यार ये सीन है चेक करो कितना परफेक्ट लगा है, तो आप हायर कर सकते हैं मुझे। खैर यार वो जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो दूसरा कवर था, उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ गया था, उसके पास भी 14 है, तो हम दोनों ने मतलब ये कवर लिया एक, तो ये वाला कलर मुझे पसंद था। वैसे पर्पल के साथ है कि स्मैश नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफ़ा डाल के दिखा देता हूँ। ये देखें लगता है कि नहीं बम, मतलब पर्पल भी इसमें देखे ना, मतलब दूर से देखा जाए तो ब्लैक ही लगता है, लेकिन पास से अगर जिनको ज़्यादा कीड़े निकालने की आदत होती है वो पास से देख के कहेंगे ये तो पर्पल है और साथ में कलर नहीं मैच कर रहा। तो खैर आई गेस अभी बारी है सिनेमैटिक्स की, तो अभी मतलब कंटिन्यू करते हैं। यार ये इसका कैमरा है, थोड़ा सा कैमरा भी आप देख लें क्या सीन है इसके अंदर। एक्शन मोड आप ऑन करेंगे और उसके बाद प्रोग्रेस ऑन करेंगे तो ये फाइल का साइज बहुत बड़ा होगा, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी इसी मोड में आपको मिलेगी। अब ये देखें, मतलब मैं ऐसे ऐसे करके भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो ये जो फाइनल क्वालिटी हमें मिलेगी वो ऐसी होगी, आप देख लें मतलब मैंने मूवमेंट कितनी की है, लेकिन
स्टिल उसने कुछ ज्यादा फील नहीं कराया। और बाकी आपको थोड़ा सा नौश का भी शिशका दिखा देते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद मतलब वो भी नौश सराउंड कर लेती है, या फिर अगर आप गाना प्ले कर रहे हैं तो वो भी ऊपर चला जाएगा बिट्स, हाँ तो वो भी यहाँ पे ऊपर प्ले हो जाता है। इसको आप टैप करके रखेंगे तो यहाँ से आगे पीछे करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब चेंज करने का। और उसके बाद आप वापस वो ऐप को खोल भी सकते हैं। बाकी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो वो चीज़ भी ऊपर उधर डिस्प्ले हो जाएगी, लाइक गाना और स्क्रीन रिकॉर्डिंग एट द सेम टाइम ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको मैं टैप करके रखता हूँ, यहाँ से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड कर सकता हूँ। बाकी मुझे इसका वो डिस्प्ले बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैं आईफोन 7 से शिफ्ट हुआ हूँ, तो आप समझ रहे होंगे मेरे दिल की खुशी। मेरा दिल था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में करूं, लेकिन ऐसा ऐसा आपको व्लॉग में, या फिर अगर आपको आईफोन 14 का अलग रिव्यू चाहिए तो मैं मतलब मैं वो प्रॉपर रिव्यू बना लूँगा जैसे टाइम मिला। तो तक तो व्लॉग होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जैसे मेरे से टाइम मैनेज होता गया, मतलब एक वीक एटलीस्ट एक व्लॉग आना चाहिए, मतलब जो पूरे वीक को कवर अप करे। और अब से हमारा दिल है कि मतलब व्लॉग्स के अलावा कुछ काम की वीडियोज़ बनाई जाएँ। वैसे तो व्लॉग्स में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ काम की बातें की जाएँ, लेकिन जो आपको सिनेरियो मतलब पहले से दिखाया गया था ना, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं अपने हाथ को यूज़ टू कर रहा था व्लॉगिंग के साथ, और अब हाथ यूज़ टू हो गए तो अब हम अपने बेसिक मकसद पे आएंगे। अगर नहीं भी समझ लगी तो खैर है, आने वाले टाइम में समझ लग जाएगी। इट वॉज़ नाइस सीइंग यू गाइस, वैसे मैं देख नहीं सकता लेकिन आई कैन फील यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।